हेलो फ्रेंड्स, होंगे इसने अभी तक नहाया नहीं है और टाइम हो रहा है 10:15 हो गए हैं और मैं स्टिचिंग कर रही थी। ये वाला सलवार अपना दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला सलवार बना रही हूँ। और कल ही रात को मैंने बेल्ट बनाया था और रख दिया था मशीन के ऊपर, सुबह मिल ही नहीं रहा। क्या हुआ उसके साथ, कहाँ गई बेल्ट? ये दिमाग में उलट पुलट हो रहा, पूरा घर छान मारा मैंने। ड्रेसिंग टेबल में भी देख लिया, ये ड्रेसिंग टेबल की है, इसमें भी पूरा देख लिया, हमारी चेक कर ली पूरी मशीन का, जितने भी मेरे पास सामान होते सारे लिफाफे वगैरह रख लेते। एक्चुअली क्या था, मैंने यहाँ पे रख दिया था सलवार अपनी बेल्ट वगैरह सब कुछ के साथ कि सुबह कर लूँगी, ऐसे छोड़ दिया था। और पता है क्या हुआ मेरे घर में, ऐसा कौन चोर आया, कौन लेके गया, यकीन नहीं मानोगे, हमारे घर में एक चोर आया हुआ है, दुखी करके रखा है। अब मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ एकदम। आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ है मेरी सलवार का बेल्ट, देखिए आप लोग। भाई सलवार का बेल्ट कहाँ है आपको दिखाती हूँ, ये रही। अलमारी हटाने के बाद हमें पता चला कि हमारी सलवार का बेल्ट, कुछ कपड़े और इंची टेप और हमारी किचन का पौना, ये सारा चूहा लेके गया है। चूहे ने हद कर रखी है, यहाँ तक कि देख सकते हो, आप लोगों को दिखाती, इसने उड़ी पापा क्या गंदगी मचा के रखी है चूहे ने। देखो इंची टेप वगैरह काफ़ी सारा सामान, पैसा भी चुरा के ले आया होगा, ये तो ऐसा चोर है। और भरी अच्छी गरिमत ये है कि हमारा कपड़े का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो झाड़ू लगा के इसको कूड़ा निकाल दो, ठीक है, ठीक है बेटा। ये देखो कितनी गंदगी मचा के रख दिया चूहे ने, नहीं नहीं बस वहीं से कूड़ा निकाल के यहाँ से हटा के बस हटा लो, ठीक है। ये रहा, और आपको दिखाते हैं कपड़े की कंडीशनर ठीक है या नहीं। कंडीशनर तो देखिए, कपड़े को कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ लेके गया तो लगता है उसको रात को ठंड लग रही थी, पंखा चल रहा था घर में, ठंड लग रही थी तो वो ओढ़ने के लिए लेके गया था चूहा। देख लो कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा हुआ, शुक्रिया उसके लिए कि चूहे ने इसको काटा नहीं, कुछ भी नहीं किया। देख सकते हो पूरी बेल्ट बनी हुई, चूहा उठा के लेके गया था, ठीक ठाक है। और इंची टेप भी लेके गया था, पता नहीं उस चूहे को अपने लिए कपड़े सिलने थे इसलिए लेके गया कि क्या था। चलिए मैं बना लेती हूँ कपड़े, ओके थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मार्केट गई हुई थी मैं नवरात्रि की शॉपिंग करने थोड़ी बहुत, क्योंकि कल तो खुद की शॉपिंग करने गए थे और आज गए थे नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए, तो थोड़ा छोटा मोटा सामान लेकर आई हूँ, जो है आसन वगैरह लेकर आई और फ्रूट्स वगैरह लेकर आने थे। और उसके बाद जो है फ़ोन में लगा रहा है, उसके बाद हम लोग लेकर आए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। और बेटा देखो इस स्टाइल में बैठा हुआ बेटा, पापा आप बोल रही हो मेरे को दे दो का बेटा, माँ बेटा परम उसकी वीडियो चल, मतलब बहुत ज़्यादा लाइव, तो कोल्ड ड्रिंक आ गई, तो आप लोग भी आ जाइए कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। और मैं दिख रही हूँ पीछे, और तो हस्बैंड भी गए थे मार्केट पिजामे लेकर आए, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। मैं कह रही हूँ तो ये देखिए टाइट है, कहाँ पे कमर पे, यही पे तो अभी तो वाला पड़ा है। तो उसके बाद फटाफट से मैंने किचन में खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं बना रही थी आलू गोभी सब्जी लेकिन नहीं बना पाई, तो बेटा कहता मुझे पनीर की सब्जी खानी है, तो पनीर के साथ मेरे पास मटर नहीं था तो मैंने आलू डाल दिए और पनीर भी डाल दूंगी साथ में, मतलब ग्रेवी तो बनाया है वैसे जैसे पनीर की बनती है, मटर पनीर की, और इसको पकने दूंगी तब तक, और तब तक पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा। और चावल भी बना लिया है, और जो है यहाँ पर बैठ के देख रहे सुन रहे हम लोग कथा, परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी की कथा चल रही है, और बच्चे भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, और हस्बैंड भी लेटे हुए हैं तो वो फ़ोन देख रहे हैं और हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी कथा सुन लीजिए, और जो है हम लोग ऐसे ही लगा के सुनते रहते हैं टीवी पर कथा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, और कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तकलीफ बाय बाय।